वेलकम स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था साउंड के बारे में। साउंड हाउ कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड के क्या फायदे हैं, साउंड में क्या बेसिक टर्म्स यूज होती है, साउंड कैसे वेव है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इसमें हम कवर करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन और ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में आ जाएगा हमारा लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और साथ में इंटेंसिटी। ये हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इसमें सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है, कैसे आवाज धीमी होती है और कैसे हमारे पास कोई चीज जो है वो आवाज प्रोड्यूस करती है, तो कोई धीमी आवाज होती है और कोई तेज आवाज होती है, वो कैसे होती है, इसको बोलते हैं हम लाउडनेस। और लाउडनेस को हम अच्छी तरह से आप डिस्कस। पहला आ गया लाउडनेस। इट इज द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड एंड इट इज द डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड। ये एक डिग्री है लाउडनेस, जो ये डिग्री है साउंड की। इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जैसे हम देखते हैं ये ट्रांसवर्स वेव मोशन में जितनी एम्पलीट्यूड की हाइट होगी या डेप्थ होगी, मतलब जितनी क्रेस्ट की हाइट होगी और जितनी ये डेप्थ होगी ट्रफ की, तो उतना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी वो आवाज हमें ज्यादा लाउड सुनाई देगी। और अगर ये इसकी एम्पलीट्यूड की जो है क्रेस्ट या ट्रफ की लेंथ और डेप्थ जो है वो कम है, तो उतनी साउंड जो होगी वो फेंट होगी, वो ये फेंट हो जाएगी साउंड। और अगर ये लेंथ ज्यादा है तो वो इसमें थोड़ी फेंट दिखाई देगी और इसमें जो आवाज है वो थोड़ी लाउड सुनाई देगी। अगर इससे भी लाउड, अगर आवाज को ज्यादा तेज करना है तो हम लगाते हैं लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या काम करता है, लाउड स्पीकर काम करता है आवाज को एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, इसको बोलते हैं हम एम्पलीफाई करना। एम्पलीट्यूड इसका बढ़ा देता है और आवाज एम्पलीफाई होगी, इसलिए लाउड स्पीकर को हम एम्पलीफायर भी बोलते हैं। दूसरा, इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। मोर इज द एम्पलीट्यूड, मोर इज द साउंड। अगर जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी साउंड ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा, मतलब जितना कम होगा तो उतनी ही साउंड भी कम होगी। इट इज मेजर्ड इन डेसिबल, तो इसको हम मेजर करते हैं, इसके यूनिट जो हैं वो क्या है हमारे डेसिबल में इसको मापा जाता है। एम्पलीट्यूड को नहीं बल्कि लाउडनेस को, जितनी आवाज ज्यादा होगी तो उतना ही ये एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। और इसको जो नापने का, इसको हम मापेंगे किसमें, इसमें मापेंगे डेसिबल में। दूसरा है पिच। It is the property that determines the shrillness or deepness of the sound। ये हमें बताएगी, पिच के द्वारा हम पता लग करेंगे कि श्रिलनेस के आवाज, मतलब तीखी आवाज और डीप आवाज, तो ये हमें कौन डिसाइड करेगा, ये पिच डिसाइड करेगी। और ये डिपेंड करती है किस पर, फ्रिक्वेंसी के ऊपर। जितनी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच हाई होगी और आवाज उतनी ही ज्यादा श्रिल होगी, उतनी ही तीखी आवाज होगी। जैसे हम देखते हैं कि मेल्स में आवाज जो होती है वो ज्यादा डीप होती है, डीप। और अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे तो इनमें श्रिलनेस ज्यादा होती है, इनमें क्या होती है, श्रिलनेस होती है, इनकी आवाज थोड़ी तीखी होती है। तो यही वजह है कि ये डिसाइड करती है कि कितने वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें वोकल कार्ड में। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, मोर नंबर ऑफ द वेव जितने ज्यादा बनेंगे तो मोर हाई इज द पिच और इसमें ज्यादा श्रिलनेस होगी, श्रिलनेस।
और जैसे ये मैंने देख आप देख रहे हैं ये कि जैसे इसमें कितने वेव बन रहे हैं, इसमें 1.5 वेव बन रहे हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर आधा ये वेव है, तो ये लो पिच है और इसकी आवाज जो होगी वो साउंड जो होगी वो डीप होगी इसमें, और इसमें श्रिलनेस होगी क्योंकि ये वेव ज्यादा, ये श्रिलनेस होगी इसमें क्योंकि इसमें वेव, ये अगर हम देखेंगे एक, ये अगर दो, ये तीन, ये चार और ये पांच वेव बन रहे हैं, इसमें श्रिलनेस ज्यादा होगी। यही वजह है कि फीमेल्स की आवाज जो है वो ज्यादा उसमें श्रिलनेस होती है और मेल की आवाज थोड़ी डीप होती है। इसी तरह अगर बच्चों में देखेंगे तो मेल बेबी अगर होगा, मेल बेबी, तो उसमें उसमें श्रिलनेस होगी लेकिन आवाज जो होगी उसकी थोड़ी डीप होगी, और अगर फीमेल बेबी का हम देखेंगे, फीमेल बेबी बेबी, तो इसकी आवाज ज्यादा श्रील, इसमें इसकी आवाज में श्रीलनेस ज्यादा होगी। तो अब सबसे ज्यादा डीप किसकी आवाज होगी, मेल की, उसके बाद फीमेल, फीमेल के बाद मेल बेबी, और सबसे ज्यादा होगी श्रीलनेस फीमेल बेबी में, फीमेल बेबी में, मेल बेबी में उससे कम होगी, और फीमेल्स में उससे कम, और मेल्स की साउंड जो होगी वो डीप होगी। यही वजह है कि ये फीमेल्स की आवाज जो होती है वो ज्यादा तीखी होती है। तो इसको हम बता सकते हैं कि मोर इज द फ्रीक्वेंसी, मोर इज द वॉइस श्रिल्ड एंड लेस इज द फ्रीक्वेंसी, डीप इज द साउंड। अब आप समझ गए होंगे कि आवाज श्रिल कब होगी और डीप कब होगी। तीसरी चीज है हमारी क्वालिटी ऑफ द साउंड, इट इज द प्रॉपर्टी बाई विच वन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड बाई सेम पिच एंड साउंड लाउडनेस। अगर सेम लाउडनेस है और सेम पिच है तो आप कैसे उसको डिफर करोगे कि ये आवाज कैसी है। फर्ज करो एक अंधेरे कमरे में हो आप, और आपके आप किसी दोस्तों के साथ हो वहां पर, तो वहां पर दो चार दोस्त जब बातें कर रहे होंगे, अगर उनकी लाउडनेस और पिच जो है वो सेम होगी, लेकिन फिर भी आप पहचान लोगे कि ये आवाज किसकी है, तो वो उसको हम बोलेंगे क्वालिटी ऑफ द साउंड। उसको क्या बोलेंगे हम, क्वालिटी ऑफ द साउंड, के अगर वो सेम पिच के बोल रहे हैं और सेम लाउडनेस है उनमें, लेकिन फिर भी आप पहचान लोगे कि ये कौन बोल रहा है, उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ द साउंड, ए साउंड ऑफ ए। फिर अगर हम देखेंगे, अगर साउंड जो है वो सिंगल फ्रिक्वेंसी की होगी उसको हम बोलते हैं टोन। टोन क्या हो गया, एक अगर एक ही फ्रिक्वेंसी की सेम, फिर उसमें वो एक ही फ्रिक्वेंसी से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको हम टोन बोलेंगे। अगर मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी से साउंड आ रही है उसको हम बोलते हैं नोट। जैसे वो सारे गामा पाबी है उसको नोट इसलिए बोलते हैं कि वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से, वो किसी भी हारमोनियम वगैरह से जब आवाज निकलती है तो वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं नोट। चौथी चीज है इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। इंटेंसिटी क्या हुई, इट इज द नंबर ऑफ साउंड वेव पासिंग 1 मीटर एरिया ऑफ एरिया इन 1 सेकेंड। अगर 1 मीटर एरिया है, 1 मीटर एरिया, इसमें से जो जितने साउंड वेव पास होंगे 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे हम, इंटेंसिटी, उसी को बोलेंगे हम इंटेंसिटी। इट डिपेंड्स अपॉन स्क्वेयर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड का स्क्वेयर के बराबर होता है, इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वेयर के बराबर है। जैसे हम लिखते हैं कि अगर एम्पलीट्यूड है अगर किसी का 2 सेंटीमीटर, तो उसकी इंटेंसिटी आ जाएगी, इंटेंसिटी आ जाएगी हमारे पास ए के स्क्वेयर के बराबर होती है, और ये 2 का स्क्वेयर करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 4, 4 सेंटीमीटर का स्क्वेयर इसकी इंटेंसिटी बन जाएगी। तो इसको ऐसे हम इसकी इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अगला हम टॉपिक लेते हैं इसमें स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, मीडियम में साउंड की स्पीड क्या होगी। साउंड, अब ये हम जानते हैं कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द 3 मीडियम, ये तीनों मीडियम सॉलिड लिक्विड और गैस से चल सकती है साउंड, इसको मीडियम चाहिए। दूसरा, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। जैसे हम ये रहते हैं सॉलिड, सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं वो बड़े क्लोज होते हैं, कंपैक्टली अरेंज होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं। ये हम बराबर बनाएंगे पहले वॉल्यूम इनका, क्योंकि डेंसिटी जो है वो
पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो इसलिए हम वॉल्यूम इनका रखेंगे सेम। अगर ऐसे देखेंगे लिक्विड के पार्टिकल जो आएंगे वो थोड़े दूर दूर होते हैं और ये थोड़े कम आएंगे। अगर हम गैस में देखेंगे इसमें और बहुत ज्यादा दूर होते हैं पार्टिकल्स, तो ये इसमें डेंसिटी कम हो जाएगी ये, और इसमें उससे ज्यादा होगी डेंसिटी, इसमें सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब स्पीड ऑफ द साउंड जो होगी सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद फिर गैस आएगा। तो ये है स्पीड ऑफ द साउंड जो है किसमें ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा सॉलिड होगी क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड में डेंसिटी उससे कम होती है। तो इसलिए इसमें साउंड की स्पीड कम रहेगी और गैस में सबसे कम रहेगी क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। तो ये हम लिखेंगे स्पीड ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड लीस्ट इन गैसेस। तो स्पीड जो है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये सबसे लीस्ट है, इसमें इससे ज्यादा सॉलिड में इससे ज्यादा होगी। अगला जो टॉपिक है हमारा वो साउंड प्रोड्यूस्ड इन मैन या ह्यूमन, ह्यूमन में कैसे प्रोड्यूस होती है साउंड। इन ह्यूमन वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स, क्या बोलते हैं इसको हम वॉइस बॉक्स को, लैरिंग्स। इट इज प्रेजेंट, इट कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैप लाइक लिगमेंट्स, इसमें दो फ्लैप लाइक लिगमेंट्स होती हैं। ये है फ्लैग लाइक लिगमेंट्स, ये दो फ्लैग लाइक लिगमेंट्स हैं जो ये क्या करती हैं, इनको बोलते हैं वोकल कार्ड। इनको क्या बोलते हैं, वोकल कार्ड। विद ए नैरो स्लिट, ये बीच में इसकी एक नैरो स्लिट है, एक ये क्या है, नली। तो ये जो दोनों लिगमेंट से घेरी हुई है, विद ए नैरो स्लिट पासिंग देम, ये बीच में से पास होती है। व्हेन वी स्पीक एयर इज फोर्स्ड, स्टामक से क्या आएगी, हवा आएगी, स्टामक से हवा आएगी। तो व्हेन वी स्पीक एयर इज फोर्स्ड आउट, दिस एक्सहेल्ड एयर फोर्सेस द वोकल कॉर्ड टू वाइब्रेट, ये इसको क्या करेगी, मदद वाइब्रेट में, वाइब्रेशन में मदद करेगी और हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होगी। ये हमारा वॉइस बॉक्स है, ये यहाँ पर होता है वॉइस बॉक्स। अगर हम इसको देखेंगे तो ये दो ये क्या है, वोकल कॉर्ड्स, ये वाइब्रेट होती हैं और साउंड बॉक्स से साउंड निकलती है जब हम लंग्स से बार हवा को एक्सहेल करते हैं। तो इस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है ह्यूमंस में। अगर हम जेंडर के हिसाब से वोकल कार्ड की लेंथ देखेंगे तो लेंथ इन मेल में जो होती है वो होती है 20 मिलीमीटर और लेंथ ऑफ वोकल कार्ड इन वुमेन में होती है 15 मिलीमीटर। इसी वजह से जो वॉइस भी होती है वुमेन की वो श्रिलिंग प्रोड्यूस होती है और ये जो है मेल्स में ये थोड़ी डीप आवाज होती है। अगला टॉपिक है हमारा ऑडिबल एंड इन ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड कौन सी हो गई और इन ऑडिबल साउंड कौन सी हो गई, जिसको हम सुन पाएंगे वो हो गई ऑडिबल, सुनने लायक, और जिसको ह्यूमन बीइंग सुन नहीं पाएंगे वो हो गई इन ऑडिबल। तो ऑडिबल साउंड जो होती है, साउंड दैट कैन बी हर्ड बाय ह्यूमंस, इनकी फ्रिक्वेंसी होती है जो ऑडिबल साउंड की वो 20 Hz to 20,000 Hz होती है। इसके दरमियान अगर फ्रिक्वेंसी है किसी की तो वो हम सुन पाएंगे, और इससे कम है या इससे ज्यादा है तो वो हम सुन नहीं पाएंगे। तो उसको बोलेंगे हम इन ऑडिबल साउंड विच कैन नॉट बी हर्ड बाई ह्यूमंस। इसकी रेंज जो होती है बिलो 20 Hz और अबोव 20,000 Hz। तो ये जो अबोव 20,000 Hz जो साउंड है ये सुन सकते हैं कुछ जानवर, जैसे ये डॉग्स वगैरह हैं, तो ये सुन पाते हैं इस साउंड को। साउंड अगर आप फ्रिक्वेंसी बिलो 20 Hz है, अगर 20 Hz से हर्ट्ज से फ्रिक्वेंसी जिसकी कम है साउंड की, उसको हम बोलते हैं इंफ्राजोनिक वेव। और ये ऑब्जर्व करते हैं एनिमल्स लाइक डॉग्स। और साउंड जो होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 Hz से ज्यादा होगी, उसको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक वेव, या फिर हम इसको अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, जो यूज होती है मेडिकल में, इसका मेडिकल यूज है, मेडिकल डिटेक्शन में यूज होती है ये अल्ट्रासाउंड। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बैट जो है,
ये इसको दिखाई नहीं देता है, इसकी आंखें नहीं होती हैं, लेकिन ये फिर भी पता कर लेता है कि उसका शिकार कहां पर है, या उसको जब वो कहीं उड़ रहा होता है तो उसको आगे पता लग जाता है कि आगे कहीं पहाड़ी आ रही है। वो कैसे, उसकी इसके परों से अल्ट्रा जोनिक वेव निकलते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 Hz से ज्यादा होती है, और जो ही वो उसको पता लग जाता है कि आगे शिकार है तो वो उसको पकड़ लेता है। तो अगर उसको पता लगेगा कहीं पहाड़ी आ रही है, आगे दरख्त आ रही है, तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है इसको, क्योंकि इसके परों से ये अल्ट्रासोनिक वेव निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें आप जो थोड़ा बहुत बच गया है इस लेसन का, वो हम अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे कि अब थोड़ा बहुत, और इसी के साथ फिर आपका U1 कंप्लीट हो जाएगा। शुक्रिया।